ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में डगन बॉस के सिक्योरिटी गार्ड ने आकर माइकल, ट्रेवर, फ्रैंकलिन तीनों की फैमिलीज को जो है किडनैप कर लिया था। अब दिक्कत की बात उसमें ये थी कि हमें उसके लिए काम करना था, अगर काम नहीं करते तो वो साथ ही सभी लोग की फैमिली को मार देता और जितनी भी क्लिप्स है वो सारी मिलिट्री गनों को भेज देता, जिसमें हम लोग अंडरवाटर माफिया के साथ नजर आ रहे हैं। अब यार देखो, वो चाह रहा था कि हम लोग उसके लिए डायमंड कैसीनो से स्टैचूज चुरा कर लाएं, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन फिर भी लेस्टर ने जैसे तैसे हिम्मत करके दिमाग लगा के एक बहुत ही तगड़ा प्लान बनाया और हम लोग डायमंड कैसीनो के वॉल्ट तक पहुंच गए, साथ ही वो स्टैचूज भी चुरा लिए। पर जैसे ही उन स्टैचूज को लेकर आ रहे थे तो बीच रास्ते में लेस्टर के जो है एक बुलेट पीठ में पड़ गई, जो कि पुलिस वालों ने बहुत ही बुरी तरह मारी। अब यार देखो, दिक्कत की बात ये नहीं थी कि लेस्टर के बुलेट लग गई, दिक्कत की बात ये थी कि बुलेट लगने के बाद लेस्टर सीधा बाइक से ही गिर गया और उसको बचाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि पीछे भी काफी ज्यादा पुलिस थी और सामने भी, मतलब एक टाइप से हम लोग चारों तरफ से घिरे पड़े थे। तो इसलिए मैंने सोचा यार अभी यहां से निकलना ही बेटर रहेगा, क्योंकि लेस्टर भी खड़े होने की हालत में नहीं था। मैं एक बार ही बाइक वापस भी लेकर गया था, बट लेस्टर को बिल्कुल भी होश नहीं था और उल्टा उसके ऊपर पुलिस वालों ने गाड़ी भी चढ़ा दी थी उसके पैरों पर। तो अब पता नहीं यार लेस्टर का क्या ही हुआ होगा, बट वापसी में इसलिए भागा, मैंने लेस्टर को इसलिए नहीं बचाया क्योंकि इस टाइम पर यार देखो माइकल की फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही लेस्टर ट्रेवर की, जिसके लिए हमने इतनी बड़ी रॉबरी करी थी। अब ये जो बैग्स हैं इसके अंदर मेरे स्टैचू है, बाकी सामने वो देखो लायन है, इसको पहले जाने दो, हम लोग अपने साइड से निकलते हैं। तो अभी फिलहाल लास्ट टाइम तक तो मेरे को ये भी नहीं बताता कि ट्रेवर फ्रैंकलिन ठीक है या फिर नहीं। अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले मेरी उन दोनों से कॉल पे तो बात हो गई है और गाइस वो कह रहे हैं कि वो पलीटो बे के अंदर किसी क्लकिंग बेल नाम की फैक्ट्री में छुपकर बैठे हुए हैं। तो गाइस अभी ना जल्दी से सबसे पहले चलकर मैं उनसे मिलता हूं और यार फिर उसके बाद हम लोग एक बार देखने जाएंगे कि आखिरकार जिधर लेस्टर, मतलब कि उसकी गोली जिधर लगी थी उधर का क्या सीन है। बाकी मेरे हिसाब से उधर अभी काफी ज्यादा पुलिस वगैरह हो सकती है, बट मुझे नहीं मालूम क्या ही हुआ होगा। बट कोई नहीं, अभी जल्दी से जो फ्रेंड्स अपने जिंदा है पहले उनके पास चलते हैं, उनसे मिल लेते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक को लेकर पहुंच चुका हूं सीधा पलीटो। तो गाइस अभी ना जल्दी से उसी फैक्ट्री में चलते हैं, क्लकिंग बेल फैक्ट्री में, जहां पर वो लोग अपना छुपकर बैठे हुए हैं। बाकी पीछे से ओके, तो पीछे से एक ट्रेन भी आ रही है। देख काम करता हूं, यहां पर अपनी बाइक को थोड़ा सा लेफ्ट मोड़ लेता हूं। बाकी एक सेकंड, मुझे इसी के अंदर जाना है, एक मिनट रुक जाओ। इन लोगों ने अपनी बाइक जो है यहीं से ऊपर चढ़ाई है, तो मैं भी अपनी बाइक को यहीं से ऊपर चढ़ा के खड़ा कर देता हूं। बाकी भी जल्दी से यहां पर रखते हैं और सही टाइम पर ऊपर आ गए, वरना भी गड़बड़ हो जाती। बाकी अंदर कोई ओके, तो यहां पर तो काफी सारे वर्कर लगे हुए हैं। वैसे हमें वर्कर से डरने की कोई बात नहीं है, बट ऐसा सीन है इस टाइम पर पुलिस जो है ना हमें ढूंढने में लगी हुई है, तो हमें अपने कपड़े भी बदलने पड़ेंगे। बाकी उन्होंने कहा था कि वो यहीं कहीं पर छुपकर बैठे हुए हैं, साथ ही उनकी बाइक भी यहीं पर खड़ी हुई है, बट वो लोग मेरे को कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे। ओके, तो वो देखो वो बैठे सामने की तरफ में। तो चलो यार अभी जल्दी से इनसे बात करते हैं। बाकी इनकी जो हालत है ना गाइस यार, वो मेरे को बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर ट्रेवर तो उठ चुका है, बाकी फ्रैंकलिन को भी मैंने अपने साथ चलने के लिए बोल दिया। और गाइस यार इस टाइम पर ना हम तीनों सबसे पहले जाने वाले अपने कपड़े बदलने के लिए, क्योंकि इस ड्रेस को ना भाई साहब पुलिस वाले दबा के ढूंढ रहे होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने हमें इसी ड्रेस में देखा था। तो सबसे पहले ना गाइस हम लोग अपनी रियल फेस में आ जाते हैं, ये यूनिफॉर्म उतार देते हैं, हेलोवीन भी चला गया और ज्यादा शक होगा हमारे ऊपर। बाकी तो यार अभी दिक्कत की बात ये है कि ट्रेवर की हालत सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि गाइस यार ये ना पीछे वाली सीट पर बैठा था और सीन ये हुआ कि जब फ्रैंकलिन ड्राइविंग कर रहा था तो इसकी बहुत ज्यादा बुलेट पड़ी है। वो बात अलग है कि इसने शील्ड पहन रखी थी, बट फिर भी यार थोड़ा बहुत दर्द तो होता ही है। तो चल भाई कोई नहीं, ड्राइवर जल्दी से बाइक पर बैठ और फ्रैंकलिन का रह गया। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर फ्रैंकलिन भी अपना बाइक पर आकर बैठ चुका है, तो जल्दी से अपनी बाइक को सबसे पहले हम लोग यहां से निकालते हैं। वैसे इधर स्टेयर्स आना, तो चलो फटाफट से अपनी बाइक को हम लोग यहां से उतार लेते हैं और गाइस अभी ना जल्दी से लेकर चलते हैं कि इसे कपड़े बदलने की शॉप पे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक को लेकर यहां से थोड़ा बहुत आगे तो आ गया हूं, फिलहाल इस तरफ में कट है, तो जल्दी से अपनी बाइक को लेकर यहां से निकल लेते हैं। और गाइस अभी ना फिलहाल दिक्कत की बात यह है कि अगर हमें बंदे देख लेंगे ना इस ड्रेस में तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी पीछे की तरफ में बंदे खड़े तो थे, पर उन लोग का हमारे ऊपर उतना ध्यान नहीं गया। अभी जल्दी से यहां पर गलियों गलियों से निकल लूंगा, यहां से कोई भी हमें देख नहीं पाएगा और थोड़ा आगे जाते हैं यहां पर हमें शॉप मिल जाएगी जिसमें से हमें कपड़े मिलने वाले हैं। बाकी फ्रैंकलिन आ रहा है ना, अभी तक तो हमारे पीछे पीछे आ रहा था, अभी पता नहीं कौन से रास्ते से आ रहा है, बट हमने उसे आने के लिए बोल दिया, वो आ ही जाएगा। तो भी जल्दी से ज्यादा वेट नहीं करना, फटाफट से हम लोग चलकर सबसे पहले कपड़े बदलते हैं। और फाइनली हम लोग शॉप पर पहुंच चुके हैं। ओके एक सेकंड यार, इधर ही तो थी। ओके तो फाइनली हमें वो शॉप मिल गई। तो भी जल्दी से अपनी बाइक को यहाँ पर खड़ा करते हैं, ड्राइवर जल्दी से अंदर आ जा, शॉप के अंदर चलते हैं और फटाफट से गाइस यहाँ पर हम लोग कपड़े बदल लेते हैं। बाकी यार इधर तो शॉपकीपर ही नहीं है, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, अभी और ज्यादा आसान रहेगा। बाकी इधर एक बंदा है, इसको मैं थोड़ा सा ना साइड करना पड़ेगा, निकल यहाँ से थोड़ी देर के लिए, अभी इसको साइड करना बहुत ज्यादा जरूरी था, वरना ये मैं देख लेता तो किसी को भी बता देता। अभी फटाफट से बदल लेते हैं कपड़े। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए और साथ ही ट्रेवर और फ्रैंकलिन ने भी अपने कपड़े बदल लिए। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग अपनी बाइक्स को लेकर निकल लेते हैं सीधा उसी जगह पर जहां पर लेस्टर का एक्सीडेंट हुआ था। तो ट्रेवर जल्दी से आकर बाइक पर बैठ। बाकी तो यार देखो फ्रैंकलिन ने भी काफी बढ़िया कपड़े यहाँ से ले लिए और साथ ही ट्रेवर की जो
टी शर्ट है ना, मेरे को सच्ची में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। आपको कैसी लग रही है कमेंट में जाकर जरूर बताना। तो चलो यार, अभी फिलहाल यहाँ पर ये तो अपना बाइक पर आकर बैठ चुका है, तो भी जल्दी से अपनी बाइक को लेकर यहाँ से निकलते हैं। बाकी फ्रैंकलिन भी इस टाइम पर अपने साथ साथ ही आने वाला है। और अभी ना गाइस, हम लोग अपनी बाइक को थोड़ा बहुत संभाल के चलाएंगे, क्योंकि अपना एक दोस्त तो समझ लो एक्सीडेंट के चक्कर में जा चुका है भाई, बाकियों को हम नहीं खोना चाहते। वैसे यार, वो जो जगह है ना जहाँ पर लेसर का एक्सीडेंट हुआ था, वो जगह मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि हाँ, मिलिट्री बेस के आगे पीछे कहीं पर एक्सीडेंट हुआ था और वो एक ब्रिज था। बट कोई नहीं, जब हम वहाँ पर चलेंगे तो हमें वैसे ही वो जगह मालूम पड़ जाएगी। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर सीधा उसी ब्रिज पर पहुंचने वाला हूँ जहाँ पर लेसर का एक्सीडेंट हुआ था। बाकी यार, दूर से देखने में ना मेरे को कुछ भी सही से नजर नहीं आ रहा है, बट अभी जल्दी से पास चलकर देखते हैं आखिरकार यहाँ पर क्या सीन है। क्या पता लेसर की बॉडी अभी भी इधर हो या फिर इधर कुछ भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। बाकी तो यार, यहाँ पर लेसर की बॉडी छोड़ो, इधर एक भी पुलिस वालों की गाड़ी मेरे को नजर नहीं आ रही है। ये क्या सीन है? मतलब कि भी पूरा का पूरा एक दिन भी नहीं बीता, सुबह की बात है, और यहाँ पर जितना भी सीन है सारा गलत हो गया। भाई अंधा है क्या? भाई फ्रैंकलिन को ला के गाड़ी ठोक दी भाई, यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही गलत सीन हो गया है। अभी फिलहाल यार मेरे को लगता है कि लेस्टर नहीं बचा होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर ना पीछे एक फ्रूट वाले की शॉप थी और वहीं से ना मिलिट्री बेस में अंदर जाने का रास्ता है, बट यार लेस्टर का एक्सीडेंट हुआ है तो वो उसे मिलिट्री बेस के लेकर जाएंगे। मैं सोच रहा था कि फ्रूट वाले से पूछ लेंगे, क्या पता वो हमें बता दे, बट ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अभी ना गाइस, एक काम करते हैं, सबसे पहले ना गाइस यहाँ पर हम तीनों अपनी अपनी फैमिलीज को बचा कर लाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मेरे बैग में दोनों के दोनों स्टैचूज हैं जो कि हमें डगन बॉस को देने हैं। अभी जल्दी से मैं अपनी बाइक लेकर सबसे पहले उसके घर के लिए निकल लेता हूँ। एक्चुअली वो उसका घर नहीं है, वो अपने पुराने वाले दोस्त बैंक मैनेजर का घर था, बट पता नहीं यार कैसे उस बंदे ने वो जो घर है कब्जा लिया। बट कोई नहीं, वो घर मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, पर अभी अपनी भाई डगन बॉस वाला लेवल नहीं है। जब उसके लेवल पर हम पहुंच जाएंगे तब वो घर लेने की बात करेंगे। बट कोई नहीं, अभी जल्दी से वहां पर चलते हैं और जितना भी ये जो स्टैचूज है उसको दे देते हैं। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर सीधा डगन बॉस के घर पर पहुंचने वाला हूँ। वहां पर जाकर मैं उसको ये दोनों स्टैचूज दे दूंगा और माइकल, ट्रेवर, फ्रैंकलिन तीनों की फैमिली को लेकर हम लोग सबसे पहले यहाँ से निकल लेंगे। उसके बाद ही हम लोग लेस्टर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। बाकी तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो हमेशा की तरह यहाँ पर कितनी ज्यादा सिक्योरिटी है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी जल्दी से यहाँ पर उतरते हैं और फटाफट से चलते हैं सीधा इसके घर के अंदर। बाकी तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कुछ ज्यादा ही तगड़ा इसका घर है। वैसे देखा जाए ना तो ये रेस्टोरेंट है जिसके ऊपर वाले फ्लोर पर ये रहता है, मतलब ये जो रेस्टोरेंट है ये भी इसी का ही है। तो चलो यार, अभी फिलहाल जल्दी से इसके पास चलते हैं, सामने की तरफ में खड़ा हुआ है और उसको जो दोनों स्टैचूज है वो दे देते हैं। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर डगन बॉस से बात हो गई और गाइस ये कह रहा है कि तुम सबसे पहले मेरे रूम में चलो, वहां पर जाकर ये जो स्टैचूज है ना ये उनको चेक करेगा, उसके बाद यहाँ पर हम तीनों की फैमिली को छोड़ेगा। तो भी जल्दी से यहाँ पर इसके साथ साथ चलते हैं सीधा इसके रूम में। वैसे यार, आप लोगों ने शायद से आज से पहले इसका घर नहीं देखा होगा, बट यार आज देख लो कितना ज्यादा और कितना बड़ा इसका घर है। वैसे घर नहीं, इसे आप हवेली कह सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी है। तो चलो गाइस, अभी ना जल्दी चलते हैं सीधा इसके पर्सनल रूम में। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो उसका घर जो है कितना ज्यादा बड़ा है। वैसे देखने में तो सेम टू सेम माइकल के घर जैसा ही है, पर काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है क्योंकि यहाँ पर डेकोरेशन बहुत ज्यादा हो रखी है। तो चलो यार, अभी जल्दी से इसको ये जो स्टैचूज है वो दिखाते हैं। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल डगन बॉस ने दोनों के दोनों स्टैचूज को एकदम सही तरीके से चेक कर लिया और गाइस ये कह रहा है कि स्टैचूज तो एकदम रियल है और तुम लोग अपनी फैमिली को भी लेकर यहाँ से जा सकते हो। बट यार ये कह रहा है कि अभी तक हम लोग लेस्टर को बचाने क्यों नहीं गए? मतलब कि यार इसने ना न्यूज चैनल में देखा है कि एम्बुलेंस में ना लेस्टर को लेकर जा रहे हैं काफी सारे मिलिट्री वाले। अब देखो यार, एम्बुलेंस में लेकर गए तो सीधी सी बात है हॉस्पिटल लेकर गए होंगे, अगर हॉस्पिटल ले जा रहे हैं तो हो सकता है लेस्टर अभी भी जिंदा हो। तो भी जल्दी से ना गाइस ये काम खत्म करते हैं। इसने कहा था नीचे वाले फ्लोर पर ना इसका एक मैनेजर मिल जाएगा जो कि हमें एक सीक्रेट रूम में ले जाएगा जहां पर इसने इन तीनों, मतलब कि माइकल, ट्रेवर, फ्रैंकलिन तीनों लोग की फैमिली को छुपा के रखा हुआ है। तो चलो यार, अभी ना जल्दी से इसके साथ वहां पर चलते हैं, वो शायद से यही है उसका मैनेजर। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल डगन बॉस के मैनेजर से बात हो गई है और गाइस इसने मुझे सीक्रेट सिक्योरिटी रूम तक जाने की परमिशन दे दिया है, बस एक बार ही डगन बॉस से कॉल करके कंफर्म कर रहा है। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल शायद से इसने बात कर लिया है, अभी जल्दी से बस हमें इसके पीछे पीछे चलना है, यही हमें लेकर जाने वाला है वहां पर। बाकी यार ये तो किचन आ गया, किचन में कहां लेकर जा रहा है, शायद से हमें बाहर भी जाना हो सकता है। बाकी यार एक सेकंड, ओके। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल डगन का मैनेजर मुझे यहाँ तक तो लेकर आ चुका है। बाकी यार ये कह रहा है कि आगे जाने के लिए तुम्हें इस फ्रिज के अंदर जाना पड़ेगा, मतलब कि यार सीक्रेट रूम में जाने का इन लोगों ने सीक्रेट रास्ता बना रखा है। भाई साहब, बाहर से देखने में ये जगह ऐसे लग रही है कोई कोई फ्रिज वहां पर पड़ा हो, बट एक्चुअली में यहाँ पर एक बेसमेंट है। अभी फटाफट से हम लोग नीचे चलकर देखते हैं आखिरकार यहाँ पर क्या है। बाकी तो अभी हम लोग एक फ्लोर पूरे के पूरे नीचे आ चुके हैं, सामने की तरफ में एक अलार्म भी लगा हुआ है। अभी जल्दी से यहाँ पर हम लोग इस वाले रूम के अंदर चलते हैं। बाकी शायद से मेरे को लग रहा है मैं किसी गलत रूम में आ गया हूँ, सामने की तरफ में वॉशिंग
मशीन में पैसे धुल रहे हैं। वाह भाई साहब, अभी जल्दी से हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। इस तरफ में एक रूम और है, तो ओके गाइस यार, इसी रूम के अंदर यहाँ पर इन लोगों ने हर बंदे को किडनैप करके रखा हुआ है। तो चलो यार अभी जल्दी से इनको छुड़वाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो चलो गाइस यार, अभी ना फिलहाल यहाँ पर डगन बॉस के सिक्योरिटी गार्ड ने जो इन लोग को भी जाने की परमिशन दे दिया है। तो गाइस अभी ना जल्दी से इनको लेकर मैं यहाँ से निकल लेता हूँ और फटाफट से यार सब लोग को अपने अपने घर पर छोड़कर आना पड़ेगा। और ये जो डगन बॉस है ना गाइस यार, इससे हम लोग बदला लेंगे वो भी बहुत खतरनाक तरीके से। और यही दो सिचुएशन थी जिस वजह से हम लोग इसे मारना नहीं चाह रहे थे। अगर इसे मारते तो सीधी सी बात है इनमें से कोई भी नहीं बचता, जिन पांचों को हम लोग आज सेफली घर पर ले जा रहे हैं। और दूसरा सीन ये था कि वो सारी क्लिप्स मिलिट्री कर्नल को भेज देता तो फिर तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाती। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, फिलहाल के लिए ट्रेवर फ्रैंकलिन अपना बाहर ही खड़े हुए हैं। और अभी बाइक्स नहीं गाड़ियों की जरूरत है, तो सबसे पहले यार गाड़ियों का जुगाड़ करना पड़ेगा। फिलहाल इनके पास तो काफी तगड़ी गाड़ियां, मुझे नहीं लगता ये लोग देंगे। एक बार डगन बॉस से एक कॉल पे बात कर लेता हूं, अभी तो फिलहाल वो अपना एक टाइप से दोस्त ही समझ लो। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहां पर डगन बॉस से कॉल पे बात होगी। और गाइस वो कह रहा है कि जो पीछे गैराज है ना उसके अंदर तीन चार गाड़ियां खड़ी हुई है, जो भी गाड़ी तुम्हें अच्छी लगे वो लेकर चले जाओ। बाकी ये फ्रैंकलिन को देखो भाई सब कैसे ड्राइविंग कर रहा है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी जल्दी से हम लोग सीधा चलते हैं इसके गैराज में। बाकी यार ये देखने में मेरे को पता नहीं कोई छोटा सा वेयर हाउस लग रहा था, बट ये इसका गैराज है भाई सच्ची में, मैं क्या ही बताऊं, काफी ज्यादा अजीब सा है। बाकी तो यार गाड़ियां इसने अंदर काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया खड़ी कर रखी है। और वैसे भी हम लोग टोटल 6 लोग हैं, क्योंकि यार इस टाइम पर ट्रेवर फ्रैंकलिन तो अपना बाइक से जाने वाले हैं। तो जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को सबसे पहले यहां से बाहर निकाल लेता हूं। बाकी यार मेरे को कोई ये बताओ कि आखिरकार गैराज में गेट कौन लगवाता है भाई, गैराज जोर लगता है इतना बढ़िया। पता नहीं यार ये डगन बॉस का अपना पुराना स्टाइल है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, जल्दी से सारे के सारे गाड़ी में बैठो, गाड़ी बहुत ज्यादा बड़ी है तो सारे एक ही बार में एडजस्ट हो जाएंगे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल सभी लोग आकर अपना गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो गाइस अभी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को लेकर निकल लेता हूं सीधा लॉस सैंटोस के लिए, क्योंकि फ्रैंकलिन की आंटी का घर भी वहीं पर है। और ट्रेवर की मॉम को भी ट्रेवर के नए वाले घर पर छोड़ देंगे। और साथ यार माइकल की जो फैमिली है वो तो आपको पता ही है लॉस सैंटोस में रहती है। तो चलो यार अभी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से लॉस सैंटोस निकलते हैं। और अभी पता करते हैं कि आखिरकार लेस्टर को कौन से हॉस्पिटल में ले जाया गया था। अब मुझे नहीं पता लेस्टर जिंदा बचा होगा या फिर नहीं बचा होगा, बट हाँ यार एक बार कंफर्म करना तो बनता ही है, आखिरकार यार वो हमारा दोस्त था। अगर बचने के चांसेस होंगे ना तो भाई पूरा का पूरा जोर लगा दिया जाएगा। बाकी जिस हिसाब से उसका एक्सीडेंट हुआ था, बुलेट पड़ी थी, गाड़ी चढ़ी थी, मुझे नहीं लगता वो बचा होगा। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं। बाकी यार ये जो गाड़ी है ना सच्ची में बहुत ज्यादा तगड़ी है भाई, मतलब क्या ही लुक है इस गाड़ी की। और एग्जॉस्ट वगैरह देखो किस जगह पर इसमें लगे हुए हैं। तो चलो गाइस सर अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते सीधा अपने लॉस सैंटोस वाले हाउस पर पहुंच चुका हूँ। वैसे लॉस सैंटोस वाला क्या अपना एक ही हाउस है, तो चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं, जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ पर मैं आगे लेकर चलता हूँ। बाकी यार पूरे रास्ते में इतनी तेज भगाता हुआ लाया हूँ ना कि 4 से 5 बार ही एक्सीडेंट होते होते बचा है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, फाइनली हम लोग काफी ज्यादा सेफली पहुंच चुके हैं। तो अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर अंदर लेकर चलता हूँ। एक तो यार ये जो गाड़ी है ना इसके टायर सच्ची में बहुत ज्यादा हैवी है। तो चलो यार अभी फिलहाल के लिए मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर खड़े करता हूँ। बाकी यार वो देखो जो अपने कोने तक अगेरा है कितनी ज्यादा गंदी हो गई है, मतलब कि सिर्फ 2 दिन में लग रहा है बारिश वगैरह हुई थी इसलिए इतनी गंदी हो गई है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी जल्दी से अंदर चलते हैं। फ्रैंकलिन ट्रेवर भी अपना बाइक से आ रहे थे, शायद से ऑलरेडी पहुंच गए होंगे। अब उन दोनों लोग के साथ बैठकर मैं सबसे पहले प्लानिंग करने वाला हूं कि आखिरकार हमें लेस्टर को कैसे ढूंढना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल के लिए जब तक ट्रेवर फ्रैंकलिन अपना बाइक से यहां पर पहुंच रहे हैं मैं एक काम करता हूं, थोड़ी देर बैठकर टीवी देख लेता हूं, क्या पता न्यूज चैनल्स पर मुझे भी लेस्टर देखने को मिल जाए। वैसे यार ये बहुत बड़ी न्यूज है, अभी तो फिलहाल यहां पर मैंने टीवी स्टार्ट कर दिया है, बट ये कौन सा चैनल लगा हुआ है मेरे को समझ नहीं आ रहा। ओके तो ये कार्टून चैनल से हटाओ, यहां पर इस पे भी कार्टून आ रहा है। ओके तो 2 ही चैनल आ रहे हैं, इसे बंद करो भाई, ये कबाड़ है। यहां पर अभी फिलहाल मैंने इसे बंद कर दिया, ट्रेवर फ्रैंकलिन आ चुके हैं, जल्दी से इनसे डिस्कशन करते हैं और देखते हैं अभी ना फिलहाल हमें क्या करना चाहिए। बाकी तो तुम दोनों अपने बैग्स पहले यहीं पर संभाल के रख दो, क्योंकि एक के अंदर कैश है, एक के अंदर गोल्ड है या फिर पता नहीं डायमंड्स है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर ट्रेवर फ्रैंकलिन ने अपने बैग्स जो है निकाल के यहां पर रख दिए। और साथ ही ये लोग भी कह रहे हैं कि हां भाई हो सकता है कि लेस्टर को लॉस सैंटोस के सबसे बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए हो। वैसे यार देखो यहां पर ना 2 हॉस्पिटल हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़े हैं, उनमें से एक हॉस्पिटल का मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, बट जो दूसरा हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल का नाम है पिलबॉक्स। तो अभी जल्दी से हम लोग वहां पर चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर लेस्टर है या फिर नहीं है। वैसे यार देखो ढूंढना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है जितना मैं बोल रहा हूं, बट हां यार हम लोग 3 लोग हैं तो पूरी कोशिश करेंगे, बट जहां तक मुझे लगता है ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, जल्दी से आकर इसी वाली गाड़ी में बैठो, वो गाड़ी जो है किसी और को देकर आनी है, ये वाली गाड़ी डगन बॉस को वापस करनी है। और ये जो बाइक है खैर ये तो हमें लेस्टर नहीं दी थी, बट अभी लेस्टर ही नहीं बचा तो काफी ज्यादा मेरे को बुरा लग रहा है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी जल्दी से मैं अपनी ये वाली गाड़ी लेकर चलता हूँ सीधा उसी जगह पर जहां पर पिलबॉक्स हॉस्पिटल है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर सीधा पिलबॉक्स हॉस्पिटल पहुंचने वाला हूँ, बस मुझे इस वाले घर से लेफ्ट लेना। और फाइनली हम लोग उस जगह पर पहुंच चुके हैं। तो एक काम करता हूँ अपनी गाड़ी को ना पहले मैं थोड़ा सा दूर खड़ा कर
करके देख लेता हूँ। बाकी तो यार ये वाला जो हॉस्पिटल है ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, मतलब कि यार काफी टाइम पहले यहाँ पर गाड़ी घुसेड़ दी थी ड्राइवर ने, बट कोई दिक्कत की बात नहीं इस वाले हॉस्पिटल में तो मेरे हिसाब से वो लोग नहीं आए होंगे क्योंकि ये हॉस्पिटल अंदर से टूटा पड़ा है। तो मेरे हिसाब से गाइस यार अभी ना मेरे को माउंट जोना मेडिकल सेंटर ही जाना चाहिए क्योंकि इसके अलावा दूसरा जो बड़ा हॉस्पिटल है लॉस एंजेलिस में वो वही है। अभी जल्दी से वहां पर चलते हैं और देखते हैं वहां पर वो है या फिर नहीं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर सीधा माउंट जोना मेडिकल सेंटर पहुंचने वाला हूं। बस मुझे इस वाले कट से लेफ्ट लेकर आगे वाले कट से राइट लेना है और मैं पहुंच जाऊंगा। बाकी तो आज लॉस एंजेलिस में ट्रैफिक भी थोड़ा बहुत कम है इसलिए आराम से मैं गाड़ी चला पा रहा हूं। और फाइनली हम लोग यहां पर हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। वैसे देखो यार ये भी काफी ज्यादा बड़ा हॉस्पिटल है बट इसके अंदर तो फिलहाल मेरे को कोई भी नजर नहीं आ रहा है। बट इधर एक FIB का बंदा क्या कर रहा है, वो भी गन लेकर, भाई ये चीज तो मेरे को समझ नहीं आ रही। तो गाइस एक सेकंड, इस तरफ में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो काफी सारी FIB वालों की गाड़ियां आ रखी है और हॉस्पिटल के अंदर भी काफी सारे FIB वालों के मतलब ऑफिसर्स हैं। तो मेरे हिसाब से अंदर जाना सही नहीं रहेगा क्योंकि हो सकता है कि ये लोग यार माइकल ट्रेवर फ्रैंकलिन में से किसी को पहचान ले तो बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ गाइस, अपनी गाड़ी को ना यहीं कहीं पर छुपा कर खड़े करता हूँ और फेस कवर करके ना अंदर जाकर देखता हूँ क्या सीन है। तो यहाँ पर खड़ा करना तो बेकार ही रहेगा अपनी गाड़ी को। एक काम करता हूँ, जो पीछे वाली गली है ना इस गली के अंदर मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर देता हूँ बस। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और फिलहाल के लिए ट्रेवर फ्रैंकलिन को मैंने गाड़ी में बैठे रहने के लिए बोल दिया है और अपने फेस को कवर करने के लिए मैंने हेलमेट पहन लिया है क्योंकि अगर मैं मास्क लगाकर अंदर जाऊंगा तो यहाँ पर जो FIB ऑफिसर है वो मेरे ऊपर शक कर सकते हैं। बाकी जो मेन बंदा है वो तो पीछे जाकर गाड़ियां चेक कर रहा है और गेट पे कोई है भी नहीं, तो यही सही मौका है जल्दी से अंदर जाने का। बाकी यार मेरे को ना ये चीज समझ नहीं आ रही कि FIB ऑफिसर यहाँ पर करने के लिए क्या आ रखे हैं, मतलब हॉस्पिटल में उनका क्या काम है वो सही नहीं समझ आ रहा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बार जो इन्वेस्टिगेशन है ना वो पुलिस वाले नहीं ये FIB ऑफिसर्स कर रहे हैं। तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना सबसे पहले मेरे को यहाँ पर लेस्टर को ढूंढना है। पता नहीं वो कौन से वार्ड में, कौन से रूम पे, कौन से फ्लोर में होगा, फिलहाल तो अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूँ। तो अभी जल्दी से एक बार अंदर चलकर देखते हैं क्या सीन है। बाकी सामने वाले रूम से दो डॉक्टर्स तो निकल कर आ रहे हैं तो हो सकता है कि वो उसी वाले रूम के अंदर बैठा हो। तो एक बार जल्दी से अंदर चलकर देखते हैं, वो लोग राइट से ही निकल कर आए थे ना, बाकी यहीं पर मेरे सबसे ओके ही, तो यहाँ पर तो नहीं है, दोनों के दोनों रूम यहाँ पर खाली पड़े हैं। सामने की तरफ में यहाँ पर एक वार्ड और है बट इस तरफ में भी मेरे को कोई भी नजर नहीं आ रहा है। तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, तो चलो गाइस सर अभी ना फिलहाल एक बारी लास्ट वाले रूम के अंदर चलकर देखते हैं, क्या पता लेस्टर इस वाले रूम के अंदर हमें मिल जाए। बाकी यार ये जो वार्ड है काफी ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर काफी सारे पेशेंट्स है बट यार लेस्टर इधर भी नहीं है। बाकी यार यहाँ पर एक डॉक्टर है, इससे बात करके पूछते हैं आखिरकार लेस्टर कहाँ पर है। बाकी ये जो बंदा है इसकी हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब सी लग रही है, ऐसा लग रहा है बीच वाली हड्डी टूट गई। तो चलो इससे बात करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। तो चलो गाइस सर अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर इन डॉक्टर से बात हो गई और गाइस सर ये लोग कहने की लेस्टर को जो है अभी लेकर जा रहे हैं FIB ऑफिसर्स। बाकी तो और आप लोग यहां पर देख पा रहे हो सारे के सारे FIB ऑफिसर्स यहीं से जा रहे हैं और लेस्टर वो जा रहा आगे व्हीलचेयर में। गाइस यार मुझे ना थोड़ा बहुत छुप के देखना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि यार ये लोग मेरे को देख ले और सारा मामला गड़बड़ हो जाए। फिलहाल लेस्टर वहां बाहर जाकर रुक गया है और जितने भी FIB ऑफिसर है उसके साथ में ही है और इस टाइम पर उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। मेरे हिसाब से गाइस यार ये उसे एंबुलेंस में बिठाकर अब पता नहीं कहां पर ले जाएंगे, लेकिन गाइस यार हमें ना इसका पीछा करना चाहिए। लेस्टर तो जा रहा है एंबुलेंस में बैठने के लिए, मैं काम करता हूं पर पीछे अपनी गाड़ी खड़ी है ना वहां पर चलकर बैठता हूं और ट्रेवर और फ्रैंकलिन के साथ जाकर इनका पीछा करता हूं। देखते हैं आखिरकार ये कहां पर जाने वाले हैं और हमें ज्यादा लेट नहीं होना, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग निकल जाएं और हमें पता भी ना चले। और गाइस यार बातों के चक्कर में मैंने पता नहीं कब अपना हेलमेट उतार दिया और मुझे खुद भी आ दी। अच्छी बात तो ये है कि किसी भी FIB ऑफिसर ने मेरे को पहचाना नहीं, बट यार कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना फिलहाल मेरे को सामने से सायरन का भी आवाज आ रहा है। तो एक काम करता हूं, ओके तो सामने से एक गाड़ी आ रही है, पहले इन लोग को चले जाने दो फिर मैं इनके पीछे पीछे चलूंगा ये देखने के लिए आखिरकार ये लोग कहां पर जा रहे हैं। तो फिलहाल यहां पर दो गाड़ियां चली गई है और इसी वाली एम्बुलेंस के अंदर शाह तक मुझे पता है लेस्टर है, बट कोई नहीं एक बारी पहले इन लोग को जाने दो। ओके एक गाड़ी अभी और आ रही है, पहले इसको भी जाने दो। इतनी ज्यादा तेज स्पीड में आखिरकार ये कहां जा रहे हैं मुझे भी तो ये देखना ही पड़ेगा। अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहां पर इनके पीछे लेकर चलता हूं। भाई साहब मेरे को जहां तक लग रहा है इनसे ना यार अभी पंगा लेना नहीं चाहिए क्योंकि अगर इस टाइम पर मैं लेस्टर को बचाने के लिए एम्बुलेंस को चुराने की कोशिश करता हूं तो सीधी सी बात है लेस्टर का एनकाउंटर कभी भी कर सकते हैं तो काम पूरा खराब हो जाएगा। इससे बढ़िया एकदम आराम आराम से इनका पीछा करूंगा, जब एकदम सही मौका होगा ना उस टाइम पर हम लोग यहां पर से लेस्टर को बचाएंगे। अभी एकदम इनके पीछे पीछे चलता हूं। फिलहाल तो यार ये लोग अपना रेड लाइट पर रुके हुए हैं, बट यार ये लोग जा कहां रहे हैं मेरे को सबसे पहले तो वो पता कर रहे हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर रेड लाइट पे खड़े खड़े बहुत ज्यादा देर हो गई है, काम करता हूं मैं ना दूसरी साइड निकल लेता हूं कहीं ऐसा ना हो कि यार इन लोग को मेरे ऊपर भी शक हो जाए। तो अभी फिलहाल के लिए अपनी गाड़ी को यहां पर मैं पीछे लाकर छुपा देता हूं, इधर थोड़ी बहुत यहां पर घास फूस भी है तो इन लोग को मेरे ऊपर शक नहीं होगा। बाकी यार ये लोग अपनी गाड़ियों को यहां से आगे लेकर जा रहे हैं और इतनी ज्यादा तेज एंबुलेंस चला रहे हैं ना भाई मैं क्या बताऊं, अगर हल्का सा भी एक्सीडेंट होगा ना तो लेस्टर वैसे भी नहीं बचने वाला। बट कोई नहीं अभी जल्दी से हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इतना तो अपने को पता चल गया है कि
कैस्टर अभी जिंदा है, अब बस उसे बचाना कैसे वो मुझे देखना है। अगर इस टाइम पे मैं अटैक करूंगा इनके ऊपर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत सोच समझ के काम करेंगे। बाकी आगे की तरफ में एक बाइक खड़ी हुई है और सामने एक हेलीकॉप्टर ना काफी देर से वहीं पर रुका हुआ है, तो शायद से ना ये लोग का यहीं पर कुछ प्लान होगा, बट अभी भी मैं कन्फर्म नहीं हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ पर अगर कोई पतली सी गली वली है ना तो उसके अंदर मैं जाता हूँ और छुप के देखता हूँ आखिरकार ये लोग करना क्या चाहते हैं। बाकी सामने वो जो बिल्डिंग है वो शायद से कोर्ट है, और ये लोग लेस्टर को कोर्ट में तो नहीं लेकर जाने वाले भाई, मेरे को तो कुछ ऐसा ही सीन लग रहा है, बट अभी मैं 100% श्योर नहीं हूँ। बाकी यार इन लोगों ने अपनी गाड़ी तो वहीं पर रोक लिया है, तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल यहाँ से तो कुछ सही से नजर नहीं आ रहा है। काम करता हूँ मैं अपनी गाड़ी को थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूँ और वहां से चलकर मैं देखने वाला हूँ कि आखिरकार ये लोग क्या करने वाले हैं। तो ये जो जगह है मेरे को थोड़ी बहुत बेस्ट लग रही है। एक काम करते हैं अपनी गाड़ी से उतरते हैं और फटाफट ना मैं इस तरफ में छुप कर देखता हूँ, यहाँ पर छोटे छोटे होल हैं इनसे कुछ ना कुछ नजर आ जाएगा। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल यहाँ से देखने में तो कुछ भी सही तरीके से नजर नहीं आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ अपने फोन के कैमरे को निकाल के उससे जूम करके देखता हूँ, क्या पता तब हमें कुछ ना कुछ देखने को मिल जाए, वरना यार लेस्टर कहाँ से कहाँ चल जाएगा कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। तो भी जल्दी से मैं अपने फोन का कैमरा ऑन करता हूँ। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो बिना फिलहाल मैंने अपने फोन का कैमरा ऑन कर लिया है और वो देखो सामने एम्बुलेंस में लेस्टर अभी भी बैठा हुआ है और काफी सारे FIB ऑफिसर उसके ऊपर एम करके बैठे हुए हैं और पीछे से एक FIB ऑफिसर और आ रहा है और शायद से ये इन सबका हेड है। बाकी यार यहाँ पर लेस्टर को इन लोगों ने एम्बुलेंस से बाहर निकाल लिया है और सभी लोग उसके ऊपर एकदम बहुत ही खतरनाक तरीके से एम कर रहे हैं और अभी ना गाइस यार मेरे को लग रहा है उसको कोर्ट के अंदर लेकर जा रहे हैं और कोर्ट के अंदर लेकर जा रहे हैं तो गाइस यार आपको पता है कुछ ज्यादा ही गलत सीन होने वाला है। बाकी यार अभी फिलहाल सब ने इसके ऊपर एम कर रखा है, अच्छा हुआ कि हमने कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लिया। अगर मान लो हम लोग लेस्टर को बचाने के चक्कर में उसके पास जाते तो हो सकता है कि ये लोग यहीं कहीं लेस्टर का एनकाउंटर कर देते। बाकी यार अभी ना एक बार सही तरीके से देख लेते हैं कि आखिरकार ये लोग उसको लेकर कहां पर जा रहे हैं, बट जहां तक मुझे लग रहा है ये लोग उसको अंदर ही ले जाएंगे। ओके तो चलो गाइस, बाकी लेस्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा है। तो गाइस अभी ना फिलहाल ये लोग लेस्टर को कोर्ट के अंदर ले गए, अब बस हम तीनों को मिलकर प्लानिंग बनानी है कि आखिरकार उसे कोर्ट से बाहर कैसे निकाला जाएगा, वरना यार बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी जल्दी से एक काम करते हैं, पहले गाड़ी में बैठते हैं फिर उसके बाद प्लान बनाते हैं कि आखिरकार हमें कोर्ट के अंदर कैसे जाना है और वहां पर जाकर लेस्टर को कैसे बाहर निकालना है और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया तो फिर बहुत ही ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अभी फिलहाल यहाँ पर ड्राइवर भी अपना गाड़ी में आकर बैठ चुका है, अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को ना यहाँ पर दूसरी साइड पर लेकर चलता हूँ क्योंकि बैक साइड पर ना एक एंट्रेंस हो रहा है, क्या पता हमें वहां से अंदर जाने की एंट्री मिल जाए। अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को यहीं पर लगाते हैं और एक बार जल्दी से ना अंदर चलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और फटाफट से हम लोग पीछे वाले गेट से पहले ही कोर्ट के अंदर एंटर हो जाएंगे और जब वो लोग लेस्टर को अंदर लाएंगे तो हम पीछे वाले गेट से उसे लेकर निकल लेंगे। तो भी फटाफट से हम लोग चलते हैं कोर्ट के अंदर। बाकी तो यार एक सेकंड, ये वाला जो गेट है लॉक हो रखा है, शिट यार मैं इतना ज्यादा खुश हो गया था कि पीछे वाले गेट पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, बट यार इन्होंने परमानेंटली वाला जो गेट है वो लॉक कर दिया है। तो भी जल्दी से यहाँ पर मेरे पीछे आओ, अगर अभी हमें अंदर जाना है तो हमें फ्रंट गेट से एंट्री करनी पड़ेगी, अदरवाइज यार कोई चांस नहीं है। बाकी फ्रैंकलिन को देखो हमेशा गाड़ी का गेट खुला छोड़ देता है, बट कोई नहीं अभी जल्दी से आगे दोनों गाड़ी में बैठो, अभी फ्रंट गेट से जाने का हमें प्लान बनाना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना कॉस्ट्यूम चेंज कर लें, बट यार उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि मेरे हिसाब से अभी वो ना किसी को अंदर जाने नहीं देंगे। वैसे यार एक सेकंड, तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल मेरे हिसाब से कोर्ट के अंदर जाना एकदम इम्पॉसिबल सा हो चुका है, क्योंकि यार आप लोग यहाँ पर फ्रंट गेट पर देख पा रहे हो इतने ज्यादा FIB ऑफिसर्स खड़े हुए ना, भाई अगर इनमें से एक को भी शक हो गया तो सारा काम वैसे खराब हो जाएगा और ये लोग किसी भी कीमत पे हमें अंदर नहीं जाने देंगे। बाकी यार अगर हमें लेस्टर को बचाना है तो कुछ ना कुछ करके हमें कोर्ट के अंदर जाना ही पड़ेगा। बाकी यार एक सेकंड, यहाँ पर कुछ लैडर्स है जो कि कोर्ट की छत पे जा रही है, अगर हम इस लैडर्स पे चढ़ के कोर्ट की छत पे जाएंगे तो क्या पता हमें अंदर जाने का कोई ना कोई रास्ता मिल जाए या फिर कोई गेट ही मिल जाए जो कि हमें कोर्ट के अंदर तक पहुंचा दे। अभी फिलहाल जल्दी से ना अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क करते हैं और फटाफट से ना इस लैडर्स पे चढ़ के कोर्ट की छत पे चढ़ते हैं। वैसे यार देखो एक चीज का हमें ना थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर ना एक हेलीकॉप्टर भी है जो कि उड़ के ऊपर से भी ध्यान रख रहा है, अगर उसने हमें देख लिया तो भी काम खराब हो सकता है, तो इसलिए जो भी काम करना है हमें सोच समझ के करना होगा। अभी जल्दी से यहाँ पर जो लैडर्स है इसके ऊपर चढ़ता हूँ और फटाफट से चलते हैं सीधा कोर्ट की छत पे। वैसे यार ये जो कोर्ट है ना सच्ची में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, अब पता नहीं इसके अंदर वो लेस्टर को कहाँ पर लेकर गए होंगे, कौन से फ्लोर पे गए होंगे, वो सब चीज मुझे नहीं मालूम। बाकी यार मैं इतना ज्यादा खुश हो गया था ना इस जगह को देखकर, बट यार ऐसा कोई भी सीन है, यहाँ पर मेरे को लग रहा था एक आध गेट होगा बट कोई भी गेट नहीं है। एक काम करता हूँ यहाँ पर ना थोड़ा साइड साइड से चलूंगा, उस तरफ में हेलीकॉप्टर का मेरे को साउंड तो आ रहा है बट अभी थोड़ा ना एकदम ध्यान ध्यान से चलेंगे। तो यहाँ पर मैं खड़े हो जाता हूँ, वो देखो भाई सामने ही हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, बट ये अगर मेरे को देख लेगा तो काम खराब हो सकता है। तो चलो गाइस यार फाइनली थोड़ा बहुत वेट करने के बाद उस हेलीकॉप्टर का जो फेस है वो उस साइड पर हो चुका है, मतलब कि जो बंदा उसके अंदर बैठा हुआ है ना वो चारों तरफ ध्यान रख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, बट अभी फिलहाल उस बंदे का ध्यान इस तरफ में नहीं है और फ्रैंकलिन और ट्रेवर को मैंने पीछे रुकने के लिए बोल दिया
है, क्योंकि अगर सभी ना मैं अकेले आगे जाकर अंदर जाने का रास्ता ढूंढने वाला हूँ, और दोनों को यहाँ पर रखना इसलिए जरूरी है ताकि अगर बाहर से कोई गड़बड़ हो तो ये लोग मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दे, और अगर हम तीनों जाएंगे ना तो हो सकता है कि यार FIB वाले बंदे जो है हमें देख ले। तो चलो गाइस, फाइनली मैं भाग कर कवर में आ चुका हूँ। बाकी यार नीचे की तरफ में देखो कितने ज़्यादा FIB ऑफिसर्स खड़े हुए हैं, और ऊपर से जो जगह है ना इतनी ज़्यादा ऊँची है कि नीचे जाना थोड़ा बहुत मुश्किल है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं नीचे जाने का रास्ता जो है ढूंढ निकालूंगा। अभी बस यार मेरे को ना यहाँ से एक बढ़िया सी जगह ढूंढनी है। ओके, तो यहाँ पर नीचे थोड़ा सा सर्विस है, एक काम करता हूँ पहले ना जंप करके वहाँ पर चलता हूँ, उसके बाद आगे जाने की प्लानिंग करूंगा। तो चलो गाइस सर, अभी ना फिलहाल जैसे तैसे कर यहाँ पर मैं अपना एक पैर तो आगे बढ़ाकर ला चुका हूँ, बाकी अभी फिलहाल मेरा पैर स्लिप हो गया और यहाँ पर मैं इसके ऊपर आकर गिर चुका हूँ। बाकी इस बंदे ने मेरे को देख लिया था, इसको तो फिलहाल मैंने मार के बेहोश कर दिया है। बाकी शोर मत मचाइयो तेरी भैंस की, इसने तो चश्मे उतार दिया तेरी ऐसे की तैसे निकल यहाँ से। अभी एक रख के इसके मुक्का मारना पड़ेगा। गाइस मैं तो सोच रहा हूँ कि इसको मार के यहाँ से निकल लूँ। पीछे की तरफ में कुछ बंदे खड़े थे, अच्छा हुआ कि उनका ध्यान यहाँ पर बिल्कुल नहीं गया। बाकी यहाँ पर एक बंदा और भाग कर आ रहा है, बाकी वही बंदा है, इसको इतनी बुरी तरह मार चुका हूँ बट अभी इसको होश है। चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल जल्दी से हम लोग एक बारी कोर्ट के अंदर चलते हैं। अपने कपड़े वगैरह तो बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए, सब कुछ साफ सुथरे हैं, बस यार बाहर ऐसा ना हो कि कोई CCTV कैमरा लगा हो। तो चलो यार अभी जल्दी से मैं यहाँ पर अंदर तो आ चुका हूँ, हम भी लाइन में लग जाते हैं जैसे बाकी सारे लोग लगे हुए हैं, और देखते हैं कि आखिरकार हमें और अंदर कैसे जाना है। तो चलो गाइस सर, अभी ना फिलहाल यहाँ पर लाइन में खड़े हुए, मुझे बहुत ज्यादा देर हो गई है बट अभी तक मेरा नंबर नहीं आया है, क्योंकि वो जो सामने लेडीज आप देख पा रहे हो खड़े होकर तब से फोन चला रही है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी जल्दी से ना गाइस हम लोग खुद ही जाकर देख कर आ जाते हैं कि आखिरकार लेस्टर कौन से रूम में है। बाकी यार जहां तक है जो कोर्ट है ना बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इतनी आसानी से मैं बिना पूछे तो ढूंढ नहीं पाऊंगा, बट फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल ये वाला जो रूम है ये पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। वैसे देखो जब तक हम कोर्ट के बाहर थे ना तो दिक्कत की बात थी, बट अगर भी हमारी अंदर एंट्री हो गई है तो हमें उतनी डरने की बात नहीं है। बट हाँ, यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर है FIB ऑफिसर है, अगर माइकल को पहचानते होंगे तो काम खराब हो सकता है। बाकी यार यहाँ पर जितने भी रूम्स है भाई सारे खाली पड़े हैं, इतने सारे FIB ऑफिसर यहाँ पर अंदर आए थे बट अभी मेरे को एक भी नजर नहीं आ रहा। ये वाला रूम भी खाली है, एक बार ये वाला रूम भी मैं चेक कर लेता हूँ, सारे रूम खाली पड़े हैं, ये भी खाली होगा जहाँ तक, एक बार रुक जाओ। ओके तो चलो भाई सारे रूम खाली पड़े हैं, मुझे नहीं पता भाई लेस्टर कहाँ पर है, शायद से ऊपर वाले फ्लोर पर लेकर गए होंगे, बट लिफ्ट कहाँ पर होगी मुझे वो भी ढूंढनी पड़ेगी। एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा ना उस साइड पर चलता हूँ। बाकी यार यहाँ पर ना देखो इस साइड आना तो अलाउड था बट उस साइड जाना ना अलाउड नहीं है, बट यहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है ना उस टाइम पर फुल एकदम फोटो वोटो खींचने में मस्त हो रखा है, बट चुपचाप से चलकर देखते हैं, मना करेगा तो वापस आ जाएंगे बट उसने कुछ नहीं कहा। तो चलो गाइस अभी फिलहाल मैं भाग कर इस साइड पर आ चुका हूँ, जल्दी से यहाँ पर ये वाला। ओके तो अंदर से ना गाइस यार मुझे किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है लेस्टर ना इसी वाले रूम में है। तो भी जल्दी से ना यहाँ पर इसका डोर मैं खोल के ना साइड हो जाऊँगा ताकि मेरे को कोई भी देख ना पाए। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर मैं इस तरफ तो आ चुका हूँ। बाकी यार आप लोग वहाँ पर देख पा रहे हो उधर लेस्टर है, वो लेस्टर उनको कुछ बता रहा है। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल मेरे को जानना है कि अंदर क्या सीन चल रहा है। सामने की तरफ मेरे को जस्ट दिखा था राइट साइड में लेस्टर था और काफ़ी सारे FIB ऑफिसर भी अंदर खड़े हुए थे, बट मेरे पास ना गाइस एक आइडिया है, क्यों ना इस गेट को खोल के मैं उल्टा घूम जाऊँ जिससे कि मेरे को ना अंदर का भी दिख जाएगा और बाकी यहाँ पर कोई मेरे को देख भी नहीं पाएगा। बाकी यार वो देखो लेस्टर सामने खड़ा हुआ है, पूरा जज काफी सारे FIB ऑफिसर हैं, चुपचाप यार यहाँ पर खड़े होके ना इनकी बातें ही सुन लेते हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल इधर खड़े होके मैंने इन लोग की सारी बातें सुन ली, और गाइस इस टाइम पर ना सीन कुछ ऐसा है कि इन लोगों ने लेस्टर से पूछा था कि आखिरकार डायमंड कैसीनो की चोरी तुमने करी है या फिर नहीं करी। अगर लेस्टर ना बोलता तो सीधी सी बात है ये लोग ले जाके उसे बहुत ही बुरी तरह कूटते, तो इसीलिए लेस्टर ने हाँ बोल दिया और लेस्टर को इन लोगों ने 5 साल की जेल कर दी। बस मुझे इतना पता है कि ये लोग लेस्टर को प्रिजन लेकर जाने वाले हैं, वो भी FIB वाले कुछ स्पेशल बुलेट प्रूफ व्हीकल्स में बैठाकर। अब टाइम वगैरह कुछ भी नहीं पता कि ये लोग कब यहाँ से निकलेंगे, बट हाँ इतना मुझे कंफर्म पता है कि जब तक लेस्टर इसके अंदर है ना भाई वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। पहले जब वो यहाँ से बाहर निकलेगा तो ही ठीक है, क्योंकि काफी सारे FIB ऑफिसर्स ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है और उसके ऊपर एम कर रखा है, और अगर हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं तो सीधी सी बात है वो मारा जाएगा। बाकी अगर मैं यहाँ से निकलूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मेरे ऊपर शक करने लग जाए, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, इन लोगों ने आने वालों को मना कर रखा है और जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस टाइम पर ट्रेवर और फ्रैंकलिन भी ऊपर ही है, तो जल्दी से उनको नीचे बुलाता हूँ और देखते हैं कि अभी हमें आगे क्या करना चाहिए। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर सामने से ट्रेवर और फ्रैंकलिन भी अपना भाग कर आ गए हैं। बाकी यार देखो बिना फिलहाल लेस्टर को बचाने के लिए मेरे दिमाग में ना बहुत ही ज्यादा तगड़ा प्लान आया है। अब जितने भी FIB वाले बंदे हैं ना वो कुछ स्पेशल व्हीकल्स मंगा रहे हैं लेस्टर को अरेस्ट कर प्रिजन तक ले जाने के लिए, बट अगर हम उन व्हीकल्स को पहले चुरा लें तो काफी ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगा। और जहां तक मुझे लगता है वो जो व्हीकल्स है वो FIB बिल्डिंग के अंदर से ही आने वाली है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रिजन से आने वाली है, तो ये हमें पहले कंफर्म करना पड़ेगा। फिलहाल काफी ज्यादा बढ़िया सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है, जल्दी से इस गाड़ी में बैठते हैं, और अपनी जो गाड़ी है वो भी वहां पर खड़ी है बट कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी जल्दी से ना गाइस सर इस गाड़ी को लेकर सबसे पहले मैं प्रिजन जाने वाला हूँ, क्योंकि ज्यादा चांसेस है कि वो जो गाड़ियां वो प्रिजन से ही आएगी। अभी जल्दी से प्रिजन चलते हैं और देखते हैं क्या सीन, अगर वो गाड़ी आ रही होगी तो ठीक है, वरना फिर हम अपना प्लान बी यूज करेंगे। प्लान बी ये है कि जैसे
जैसे वो लोग उससे गाड़ी में बैठा कर यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद बीच रास्ते में उनका मुंह तोड़ देंगे। तो चलो यार अभी जल्दी से बढ़ते हैं सीधा प्लान ए की तरफ। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाला हूँ सीधा प्रिजन के लिए, और वहां पर चलकर जल्दी से चेक करते हैं कि आखिरकार वो जो गाड़ियों की बात कर रहे थे स्पेशल कार्स की, वो गाड़ियां वहां पर है या फिर नहीं है। और अगर होगी तो मैं सीधा चुरा के उससे निकल जाऊंगा। बाकी यार देखो बिना फिलहाल सीन ये है कि प्रिजन जाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा आगे जाना पड़ेगा और वहां से यू टर्न लेकर यहीं पर आना है। इससे बढ़िया मैं एक काम करता हूँ, यहीं से एक शॉर्टकट मारता हूँ। बाकी यार एक सेकंड, आगे की तरफ में ना गाइस मेरे कुछ अजीब सी चार पांच गाड़ियां दिखी है और ये पांचों गाड़ियां भाई सब प्रिजन की है। ओके तो यहाँ पर एक नॉर्मल कार है, उसके बगल में एक पीछे एक एसयूवी है, उसके पीछे एक वैन है, उसके पीछे एक रॉड ट्रक है वो भी प्रिजन वाला, उसके पीछे एक पूरी पूरी बस है जिसके अंदर मेरे हिसाब से प्रिजन गार्ड भरे होंगे। और ये सारी की सारी गाड़ियां मेरे हिसाब से लॉस सैंटोस के लिए लेस्टर के लिए ही जा रही हैं। अब बट मैं इस चीज़ को लेकर 100% श्योर तो नहीं हूँ, बट एक बार ना यहाँ पर मैं छुप कर देख लेता हूँ। ओके तो एक गाड़ी दो गाड़ी, थोड़ा सा पीछे जाता हूँ मैं, ज़्यादा क्लोज आ गया हूँ, तीन चार और वो पांचवी बस है। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा गलत सीन हो चुका है। मतलब कि पहले जो मेरा प्लान था वो प्लान ये था कि मैं यहाँ पर आकर वो गाड़ियां चुरा लूंगा और फिर मैं उन गाड़ियों में बैठ जाऊंगा तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बट अभी जो प्लान है वो पूरा का पूरा कचरा हो गया क्योंकि ये लोग ऑलरेडी अपनी गाड़ियां लेकर यहाँ से निकल चुके हैं। और अगर बीच रास्ते में मैं कोई गड़बड़ करता हूँ तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बट यहाँ पर FIB वाले बंदे को पता चल जाएगा कि उन गाड़ियों के ऊपर अटैक हुआ है और वो लेस्टर को फिर कोर्ट से बाहर ही नहीं निकालेंगे तो फिर तो और भी ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बाकी यार यहाँ पर इन लोगों ने अपनी गाड़ी रोकी है, मैं थोड़ा सा साइड में छुप जाता हूँ, इनके पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं आखिरकार ये कहाँ जाने वाले हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल बातों बातों के चक्कर में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वो लोग अपनी गाड़ी लेकर ना शायद से काफी ज्यादा आगे चले गए हैं। और गाइस इस टाइम पर ना ये लोग लॉस सैंटोस पहुंचने वाले हैं और अगर एक बार ये लोग लॉस सैंटोस पहुंच गए ना तो फिर तो सारा का सारा काम खराब हो जाएगा। मुझे कुछ भी करके ना इनको बीच रास्ते में रोक कर इनकी गाड़ी चुरानी है ताकि वो गाड़ी मैं वहां पर लेकर जाऊँ और फिर क्या हुआ कि हम लोग ना लेस्टर को अपनी गाड़ी में बैठा लेंगे और फिर वहीं से लेकर निकल लेंगे। बट यार ये जो काम है ना इतना ज्यादा आसान नहीं है क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा FIB ऑफिसर है, इसलिए मुझे ना उनको मतलब कि इन लोग को वहां पर पहुंचने से पहले ही मारना पड़ेगा। एक काम करता हूँ गाइस यार अपनी गाड़ी को ना थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ। ड्राइवर ने यहाँ पर मेरे को एक स्नाइपर दिया है, उस स्नाइपर से जो मेन ड्राइवर है ना आगे वाली गाड़ी का उसको स्नाइप करके मैं डाउन कर दूंगा। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को भगाता भगाता पीछे वाले रास्ते से ना एकदम आगे लेकर आ चुका हूँ। अभी फटाफट से अपनी गाड़ी से बाहर निकल के स्नाइपर निकालता हूँ और वो आ रही गाड़ी जो कि सबसे ज्यादा आगे है। तो यहाँ पर इसकी मैंने बुलेट तो मारी है बट यहाँ पर इसको पता ओ तेरी, यहाँ पर तो सारे के सारे बंदे जो है गाड़ी से बाहर आ गए। इन लोग को हमारे ऊपर बहुत ही गंदा मतलब कि पता चल चुका है कि साहब हम लोग इनके ऊपर अटैक करने वाले हैं। बाकी यार अभी रुक जाओ, अपनी स्नाइपर का कमाल मेरे को दिखाना ही पड़ेगा। बाकी इनका ना अभी बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है क्योंकि ये लोग एकदम मेन हाईवे पर थे और जितने भी बंदे हैं ना गाइस यार सभी के सभी इनको मार रहे हैं। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल जितने भी प्रिजन गार्ड्स हैं उन सभी ने हमारी गाड़ियों पर दबा के गोलियां मारना शुरू कर दिया। बाकी ये बंदा गोल पार कर कर इस साइड पर आ गया था इसीलिए मैंने सबसे पहले इसको मारा। बाकी यार मैं तो अपनी अजोल्ट राइफल्स भी नहीं लेकर आया हूँ, ये जो गन है सारी लेस्टर और फ्रैंकलिन की थी। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना फिलहाल इन बंदों को तो मैं बहुत ही बुरी तरह मारने वाला हूँ, बट इससे कोई काम नहीं होने वाला। अभी फिलहाल जो मेरी स्नाइपर है ना मैं इससे बंदों का मुंह तोड़ने वाला हूँ। बाकी तो यार ये देखो एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ था बट अभी ये बच गया। इस टाइम पर गाइस यार ट्रेवर और फ्रैंकलिन की भी थोड़ी बहुत हालत खराब हो गई है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, चार पांच बंदे मार के ना पहले इन्हें शांत करना पड़ेगा। अजोल्ट राइफल चलाना थोड़ा बहुत मुश्किल है बट स्नाइपर से तो एक एक करके मैं मत्था फोड़ दूंगा। एक बंदा और निकला ये भी गया, अभी भी काफी सारे गाइस यार यहाँ पर बंदे हैं बट इनको एक एक करके हम लोग उड़ा देंगे। तो चलो भाई इसको भी मार दिया। अगर एक अजोल्ट राइफल होती है ना तो इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होती इन लोग को मारने में। बाकी भी फिलहाल SMG से भी मेरे को काम चलाना पड़ेगा, सात आठ बंदे मार दिए हैं। बाकी जो अपना मेन टारगेट है वो है गाइस वो पीछे वाली गाड़ियां, तो भी एक काम करो जल्दी से गाड़ी में बैठो, हम लोग को इन्हें नहीं मारना है, वो जो गाड़ियां से लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। अच्छी बात है कि ये वाली जो गाड़ियां है ना गाइस ये भी थोड़ी बहुत बुलेट प्रूफ ही थी, मतलब कि एकदम परमानेंट 100% तो नहीं थी बट हाँ ठीक ठाक थी, मजबूत गाड़ी थी, ब्लास्ट नहीं हुई वरना इतनी बुलेट्स में गाइस बुरा हाल हो जाए। बाकी तो यार आगे से भी बंदे आने वाले हैं जहां तक मुझे लग रहा है, अभी तो फिलहाल कोई भी नजर नहीं आया बट अभी भाग भाग कर ये लोग आ रहे हैं। आ जाओ तुम्हारी ऐसे की तैसी, अभी इन लोग को मारना पड़ेगा। रीलोड लगा कर ना गाइस यार उस साइड से जाता हूँ फिर इनका मुंह तोड़ूंगा, रुक जाओ। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपनी गन तो रीलोड कर दिया और इधर एक बंदा घास में लेट के मेरे को मार रहा है। तो चलो गाइस अभी फिलहाल जितने बंदे थे ना हमने ऑलमोस्ट सभी को मार दिया है, वैसे यार सच्ची में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने बंदे थे ना हमने सभी को मार दिया है। एक बंदा यहाँ पर वॉल के पीछे बैठा हुआ, निकल यहाँ से, अभी फिलहाल गोलियां मारने की कोशिश तो कर रहा है, रुक जाओ उसको ना उसी साइड जाकर मैं मार कर आता हूँ। चलो वैसे भी बेचारा मर गया, पेट में गोली लगी गई थी इसके। बाकी एक बंदा और है सामने की तरफ में, ये भी गया। तो चलो गाइस अभी फिलहाल यहाँ पर तो इन सब का तो हमने भूत
बना दिया है। अभी जल्दी से ना गाइस यार यहाँ पर जो प्रिजन की गाड़ियां हैं वो सारी की सारी हम लोग यहाँ से उठाकर निकल लेते हैं। तो गाइस यार देखो जहाँ तक मुझे लग रहा है ना ये जो गाड़ी है ये सबसे मेन है तो इसको ले जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एक काम करते हैं ये वाली जो गाड़ी है फ्रैंकलिन को चलाने के लिए दे देते हैं और ये वाली ड्राइवर को जो पीछे वाली बस है ना वो मैं चलाने वाला हूँ। तो अभी जल्दी से सारे गाड़ियों में बैठ जाओ बट उससे पहले गाइस यार हमें ना कपड़े भी बदलने हैं और अभी फिलहाल ये सीन के बारे में उन्हें बाद में पता चलेगा, हमें उससे पहले जल्दी से जल्दी सारा काम जो है करना है। अभी फटाफट से हम लोग यहाँ पर अपने कपड़े बदल लेते हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम तीनों ने अपने अपने कपड़े बदल लिए हैं ताकि कोई भी हमें पहचाने ना। तो गाइस यार अभी ना जल्दी से हम लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। ड्राइवर को मैंने आगे वाली गाड़ी में बैठने के लिए बोल दिया है, फ्रैंकलिन उसके पीछे वाली गाड़ी में बैठ गया है और ये जो बस है इसके अंदर बैठ कर मैं जाने वाला हूँ। तो चलो यार अभी जल्दी से हम लोग अपनी तीनों गाड़ियों को लेकर चलते हैं सीधा कोर्ट के लिए। वहाँ से अपनी गाड़ियों के अंदर हम लोग लेस्टर को बैठाएंगे और फिर फटाफट से लेकर निकल लेंगे जहाँ पर हमें जाना है। बाकी यार बस FIB वाले बंदों को ये सीन के बारे में ना पता चला हो वरना सारा का सारा काम खराब हो जाएगा। बट कोई नहीं, अभी जहाँ तक मुझे लगता है नहीं पता चला होगा, चुपचाप से एकदम शांति से चलते हैं सीधा उस जगह पे। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल हम लोग अपनी तीनों गाड़ियों को लेकर पहुंच चुके हैं लॉस सैंटोस के लिए और वो जो चर्च है गाइस यार वो भी हमें बस सामने ही नजर आ रहा है। तो अभी जल्दी से अपनी गाड़ियों को यहाँ पर राइट मोड़ते हैं और फटाफट से वहाँ पर लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। बाकी तो भी एकदम आराम आराम से मैं अपनी गाड़ी को चलाने वाला हूँ क्योंकि पीछे की तरफ में तो जो बाकी गाड़ियाँ थी ना वैन वगैरह वो तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, यहाँ तक कि उसके गेट भी टूट गए थे। बट ये जो गाड़ियाँ ये थोड़ी साफ सुथरी नजर आ रही है। तो चलो गाइस यार फाइनली इन गाड़ियों को लेकर हम लोग पहुँच चुके हैं सीधा लॉस सैंटोस कोर्ट के लिए। बट यार यहाँ पर मामला मेरे को थोड़ा बहुत गड़बड़ लग रहा है क्योंकि यार इधर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो दो दो बड़े बड़े टैंक आए हुए हैं और उसके ऊपर काफ़ी सारे FIB ऑफिसर बैठे हुए हैं और सामने की तरफ में लेस्टर भी खड़ा हुआ है। अभी जल्दी से अपनी गाड़ियों को यहीं पर ओके तो गाड़ी घुमा कर लानी पड़ेगी हमें। तो चलो यार जल्दी से मैं तो अपनी गाड़ी को आगे से घुमाऊंगा क्योंकि अपनी जो बस है वो यहाँ से घूमने नहीं वाली। अभी जल्दी से घुमा के सबसे पहले से पार्क कर लेते हैं। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल हम तीनों ने अपनी गाड़ी को इस तरीके से लाकर लगा लिया है। बाकी लेस्टर भी जो आगे वाले टैंक में जाकर बैठ चुका है। बाकी यार अभी ना फिलहाल हम लोग निकलने वाले हैं सीधा प्रिजन के लिए। बस यार कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग भी उसी रास्ते से जाएं जिस रास्ते से हम लोग आए हैं, वरना इनको बीच रास्ते में ना जितने भी हमने प्रिजन गार्ड मारे थे वो सारे मरे हुए दिख जाएंगे और सारा काम खराब हो जाएगा। बट यार अभी कोई दिक्कत की बात नहीं, चुपचाप से इनके पीछे पीछे चलते हैं और जैसे ही जहाँ पर रास्ता साफ होगा उसके बाद इनको कूटना शुरू कर देंगे। मतलब कि यार मुझे पता है पहले क्या लग रहा था कि काम बहुत आसान है, हमें बस लेस्टर को अपनी गाड़ी में बैठा कर यहाँ से निकल लेना है। लेकिन यार दिक्कत की बात यह है कि FIB वाले भी हमारे साथ चल रहे हैं, एक टैंक उनका आगे है जिसमें काफ़ी सारे बंदे बैठे हुए हैं ऊपर भी और अंदर भी, बाकी एक टैंक उनका पीछे पीछे आ रहा है और उसमें भी काफ़ी सारे बंदे बैठे हुए हैं। और FIB वाले हैं कोई नॉर्मल पुलिस वाले नहीं है, उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। बट अभी कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा बहुत इनके साथ साथ चलते हैं, सही टाइम आने पर इनका मुंह तोड़ेंगे। बाकी तो यार अभी फिलहाल ये पता नहीं कौन से रास्ते से ले जा रहे हैं, बट यार जो भी है उस वाले रास्ते से ना लेकर जाएं जिस रास्ते में हमने प्रिजन गार्ड को मारा था। बट कोई नहीं, अभी तो फिलहाल ये लोग किसी और हाईवे पर लेकर आए हैं तो जहाँ तक मुझे लगता है ये कोई दूसरे रास्ते से जाने वाले हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम लोग अपनी गाड़ी लेकर FIB वालों के साथ पहुँच चुके हैं सीधा हाईवे पर। बाकी यार अभी ना फिलहाल अपने लिए अच्छी बात ये है कि लेस्टर ना गाइस अपनी एक गाड़ी में बैठा हुआ है, ये जो आप बीच वाली गाड़ी देख पा रहे हो ना इसके अंदर फ्रैंकलिन इसे ड्राइव कर रहा है और इसी के अंदर लेस्टर है। बट हम लोग इसे ऐसे डायरेक्टली लेकर निकल नहीं सकते, पीछे भी एक बंदा हमारे पे ध्यान रख रहा है और सामने भी एक बंदा है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, इनका भी मुंह तोड़ेंगे, थोड़ा सा बस यार आप लोग और वेट कर लो, थोड़ा सा जैसे शांति वाला एरिया मिलेगा ना वहीं पर इनकी गाड़ी साइड करेंगे। सबसे पहले मैं अटैक करने वाला हूँ आगे वाली गाड़ी पे। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल बहुत हो गया, मेरे हिसाब से अटैक करने का टाइम आ चुका है। अब बस मैं यहाँ पर इन लोग का मत्था तोड़ने वाला हूँ। एक बंदे को तो मैंने मार दिया, बट यार यहाँ पर ये ना पूरा हेलमेट वेस्ट पहन के घूम रहे हैं इसलिए इनके ज्यादा तेज लग नहीं रही। एक मिनट रुको, अपनी पहले ना गाड़ी से बाहर निकलूंगा तो इनका मुंह तोड़ूंगा। बाकी तो अभी फिलहाल काफी सारे बंदे उतरी सारे के सारे भाग कर यहीं पर आ गए, इसीलिए मेरे को डर लग रहा था, इसीलिए इतना सोच समझ के मैंने अटैक करा। बाकी तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इन सबको मैं मारूंगा तो बहुत ही बुरी तरह, सारे के सारे ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं। बट यार इनका अभी मत्था मैं तोड़ने ही वाला हूँ। बाकी भी फिलहाल बहुत ज्यादा गलत सीन हो गया है क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ी देर में पुलिस भी आने वाली है। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार ट्रेवर और फ्रैंकलिन कहाँ पर रहेंगे। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल ये लोग भी अपना भाग कर आ गए हैं और पीछे की तरफ से ना गाइस यार काफी सारे पुलिस वालों की भी गाड़ियां आ गई है और इन लोग का बिचारों का ध्यान मेरे ऊपर था और पीछे से इन दोनों ने उन सबका मुंह तोड़ दिया। बाकी पीछे से हेलीकॉप्टर ने भी आना स्टार्ट कर दिया। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी जल्दी से आगे जाकर ना गाइस यार हम सब इन सबका मुंह तोड़ने वाले हैं। चलो भाई एक बंदा ओवर डाउन कर दिया, सामने से भी एक भाग कर आ रहा है, इसको भी मारना जरूरी है। बट रुक जाओ, अभी फिलहाल कुछ गन्स जो है मेरे को प्रिजन गार्ड से मिल गई थी M249 वगैरह, अभी जल्दी से इनको निकाल के मैं आगे जाता हूँ। पूरा का पूरा रास्ता एकदम ब्लॉक हो गया है। मेरे हिसाब से ना गाइस यार ये जो गाड़ी है ना काफी ज्यादा बढ़िया है, इसके अंदर बैठ के मतलब कि पुलिस वालों की स्पेशल गाड़ी के अंदर बैठकर इन्हीं का मुंह तोड़ने वाले हैं। अब आओ बेटा किसके अंदर दम है, इसके अंदर तो यार बहुत ही खतरनाक गन भी लगी हुई है, ये देखो। अभी फिलहाल इनकी मैं गाड़ियां ही फोड़ने वाला हूँ, एक तीन चार गाड़ियां एक सेकंड में चली गई। पीछे एक ट्रक हो रहा है, इसको भी फोड़ते हैं। अभी जल्दी से ना गाइस यार मैं इसको घुमा के लाता हूँ, ये कैसी गाड़ी है, इतने सारे टायर लगे हुए हैं इसके अंदर। सामने से कुछ यहाँ पर
बैट के बंदे आए हैं, इनको भी मारता हूँ। और ऊपर हेलीकॉप्टर है ना, रुको, हेलीकॉप्टर 2 सेकंड के अंदर, ओ भाई साहब 4 गोली में हेलीकॉप्टर डाउन, दोबारा चलाता हूँ, ये भी गया भाई। चलो 2 हेलीकॉप्टर यहाँ पर जा चुके हैं, सामने से एक बंदा और आया, इसकी भी पड़ेगी बहुत बुरी तरह भाई। अच्छा हुआ कि जितने बंदे इसके अंदर थे ना, हमने उन्हें सबसे पहले मारा, वरना सारा काम खराब हो जाता। तो गाइस यार देखो, बिना फिलहाल मेरे को बहुत ज्यादा सोच समझ के फायर करना पड़ेगा एकदम संभाल के, क्योंकि ये वाला जो स्टॉक बेट ट्रक है इसी के अंदर लेस्टर बैठा हुआ है, तो कोई ऐसा ना हो कि यही ब्लास्ट हो जाए। बाकी उसके अलावा जितनी भी गाड़ियां ना उसको मैं ब्लास्ट करने वाला हूँ, ताकि अगल बगल वाले जितने भी पुलिस वाले ना वो सारे के सारे मारे जाए। बाकी पीछे भी एक बंदा आ गया, एक काम करता हूँ अपनी गाड़ी को ना से थोड़ा बहुत राइट घुमाता हूँ। एक हेलीकॉप्टर ना यहाँ पर हो रहा है, ये रहा, तो अभी इसको भी फोड़ना, देखो 4 गोली में फूट जाएगा ये, बस मैंने मारना शुरू करी, ये गया बेचारा, हेलीकॉप्टर का चूहरा बन गया भाई थोड़ी सी बुलेट्स में। तो गाइस अभी ना फिलहाल बहुत तमाशा हो गया, मेरे हिसाब से ना अभी हमें निकल लेना चाहिए। पहले बाकी जो सारी गाड़ियां उन्हें मैं साइड करता हूँ। बाकी यार इसके टायर कैसे हैं, ये तो इनके टक्कर लग गई, सही टाइम पर मैंने ब्रेक मार दी, वरना ये लोग गिर जाते बहुत बुरी तरह। बाकी यार इसके जो टायर है ना वो टक्कर मारने के लिए नहीं है, मतलब ऐसे ऊपर से चढ़कर निकल जाएंगे, पर धक्का देके पीछे नहीं कर पाएंगे। ये देखो इतनी ज्यादा गाड़ियां खड़ी थी, वो वहीं की वहीं रह गई, और मैं अपनी गाड़ी को लेकर कितना ज्यादा आगे आ गया हूँ। अब मैं इनको मारूंगा, अब तो ये सारी गाड़ियां गई, बहुत तगड़ा धमाका होने वाला है। इधर रुक जाओ, इनमें आग लगाकर मैं यहाँ से निकल आता हूँ। ओ भाई वो वाले ट्रक में आग ना लग जाए, अभी उस ट्रक को मेरे को साइड करना पड़ेगा। रुको रुको रुको, बाकी जो गाड़ियां वो मैं सारी की सारी फोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेवर फ्रैंकलिन में से भी कोई उड़ जाए। ओ भाई भाई भाई, यहाँ कुछ ज्यादा ही मैंने ब्लास्ट कर दिया बातों बातों में। अभी जल्दी से गाइस यार, मेरे हिसाब से पुलिस वाले जो थे सारे मारे जा चुके हैं, अभी जल्दी से वाला जो ट्रक है उसके अंदर बैठकर मेरे को निकलना चाहिए। बट यार ऐसा नहीं है, सामने से और गाड़ियां आ गई हैं। बाकी ये जो है गाइस इस टाइम पर अटका तो नहीं है, निकल जाएगा, ये कहीं अटक ही नहीं सकता भाई, इतना खतरनाक है। तो चलो अभी मामला थोड़ा बहुत शांत है, अभी जल्दी से मैं बाहर निकलता हूँ और फटाफट से इस वाले ट्रक के अंदर बैठकर हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। अच्छा हुआ कि ये अनलॉक था, वरना बहुत दिक्कत हो जाती। तो अभी जल्दी से इन दोनों को भी आ जाने दो, आगे ही बैठना पड़ेगा। तो चलो गाइस यार, अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम लोग प्रिजन स्टॉक बेट के अंदर बैठ चुके हैं, बाकी ट्रेवर फ्रैंकलिन बैठे नहीं है, वो इसके ऊपर चढ़कर खड़े हो गए हैं। अभी गाइस यार जल्दी से मैं इस गाड़ी को यहाँ से लेकर निकल लेता हूँ। अभी फिलहाल के लिए ये दोनों ऊपर है, तो कोई भी इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। और ऊपर इसलिए चढ़े हैं क्योंकि गाइस यार इसके अंदर से सामने से बैठकर बुलेट चलाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये चारों ना एकदम बुलेट प्रूफ ग्लास है, बुलेट बिल्कुल ना ही अंदर जा सकती है ना ही अंदर से बाहर निकल सकती है। तो इसीलिए फिलहाल अपने आप को कवर करने के लिए ऊपर बैठना ही पड़ेगा। बाकी तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो रास्ते एकदम ब्लॉक हो रखे हैं। अभी फिलहाल जल्दी से ना मुझे ट्रक को लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो सकती है। बाकी आगे रास्ता बंद है, और अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट से जाऊंगा तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा, नीचे की तरफ में भी काफी सारे बंदे छुप कर बैठे। ये पुलिस वाले की गाड़ी निकल यहाँ से, भाई पूरी पिचका दी पीछे से मैंने इसकी गाड़ी, इतनी तेज लिख रहा था। और ये देखो ये क्या हालत हो गई, बट कोई नहीं बहुत सही है। अभी ना इनको एकदम शॉर्टकट मार मार के मैं पूरा पागल बनाने वाला हूँ। वैसे ये पेट्रोल पंप है, बस सही है सही है, मेरे को लग रहा था इनका मत्था भिड़ने वाला है, बट ठीक है दोनों सही टाइम पर नीचे हो गए, वरना मत्थे पे जो टक्कर लगती ना दोनों नीचे आ जाते। बट कोई नहीं, अभी मजाक ज्यादा हो गया, लेस्टर को रेस्क्यू करवा लिया भाई इतने बढ़िया तरीके से। अभी लेकिन मेरे को आराम आराम से पहुंचना है, वरना ये लोग छोड़ने नहीं वाले। लेकिन यार अभी भी एक दिक्कत की बात ये है, तो गाइस यार ये जो ट्रक आप देख पा रहे हो ना, ये पूरा का पूरा बुलेट प्रूफ तो है ही, बट जहां पर इन्होंने लेस्टर को बैठाया है उस एरिया को लॉक कर दिया, पता नहीं वो अनलॉक कैसे होगा। खैर वो इतनी बड़ी बात नहीं है, तो हम जैसे तैसे देख लेंगे कैसे अनलॉक करना है, बट अभी फिलहाल के लिए अपनी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। भाई साहब क्या ही मजबूत ट्रक है ये, देखो एक गाड़ी को टक्कर मारता हूँ कहाँ चले जाती है। बाकी स्पीड भी ठीक ठाक है 160 किलोमीटर पर आवर से, इसको भगाता भगाता लेकर आ गया हूँ। बाकी ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, राइट लेफ्ट ऐसे झूम रहा है ना भाई मैं क्या बताऊँ। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल मैं अपने ट्रक को भगाता भगाता बहुत ज्यादा दूर लेकर आ चुका हूँ लॉस सैंटोस से। बट यार अभी दिक्कत की बात ये है कि ट्रक के अंदर से लेस्टर की आवाज नहीं आ रही है। अब पता नहीं यार ये क्या सीन है, लेस्टर को इन लोगों ने बेहोश करा था क्या करा था मुझे नहीं मालूम, बट हाँ यार इतना पता था कि लेस्टर जो है मतलब कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। अभी फिलहाल के लिए इसके ना अंदर का नजर भी नहीं आ रहा, और गेट भी हम खोल के देख नहीं सकते, तो 100% में श्योर भी नहीं हूँ कि लेस्टर इसके अंदर है भी या फिर नहीं। तो सबसे पहले ना गाइस यार मुझे अपनी गाड़ी को एक जगह रोकना है, और सबसे पहले ये चेक करना है लेस्टर इसके अंदर है या फिर नहीं है। बट हाँ यार मैंने अच्छे से देखा था वो इसके अंदर बैठा था, बट ऐसा ना हो कि एंड टाइम पे उन लोगों ने इसे निकाल लिया हो। बाकी अभी मेरे को कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए मेरे को समझ नहीं आ रहा। राइट साइड में एक छोटा सा गाँव है, मैं सोच रहा हूँ यहीं पर अपने ट्रक को ले लूँ, यहाँ शायद से पुलिस वाले नहीं आ पाएंगे। बट यार यहाँ भी आगे भागना पड़ेगा भाई, यहाँ से भी भागना पड़ेगा। वैसे जो जगह है काफी ज्यादा बेकार है, अगर लेस्टर गाड़ी से बाहर निकल पाता ना तो फिर हम लोग आराम से कब के बच जाते। बट सबसे बड़ी दिक्कत की बात ही यही है कि लेस्टर अभी गाड़ी से बाहर ही नहीं निकल पाएगा, तो हमें गाड़ी को ही पूरी की पूरी गाड़ी को छुपाना पड़ेगा। बट ऐसे कोई ओके तो सामने एक छोटी सी जगह दिखी है, पहले जो पुलिस वाले हैं ना गाइस इनको मारते हैं, तो फिर उस जगह पे जाकर ना छुप जाते हैं। मेरे को नहीं लगता कि वहां पर ये लोग अपना आ पाएंगे, तो जल्दी से चलना पड़ेगा। भाई साहब कैसी जिंदगी होगी, हर 4 दिन बाद पुलिस से इतनी गंदी लड़ाई हो जाती है भाई मैं क्या बताऊं। और इस बार तो हम लोग नहीं बचने वाले, क्योंकि फ्रैंकलिन का पूरा फेस नजर आ रहा है भाई। फ्रैंकलिन तो गया, बट फ्रैंकलिन के साथ साथ हम भी जाने वाले हैं।
बट कोई नहीं, भी जल्दी से अपनी गाड़ी को मेरे को यहाँ से घुमाना है। आगे वाला जो कट है ना, वहाँ से अपनी गाड़ी को अंदर लेकर जाऊंगा, तो जहाँ तक मुझे लगता है ये लोग नहीं आ पाएंगे। तो चलो गाइस यार, अभी ना फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को इस वाले कट से लेफ्ट की तरफ में अंदर ले चलता हूँ। बाकी यार पीछे की तरफ में पुलिस वाले तो थे, अब मुझे नहीं मालूम कि उन लोगों ने हमें यहाँ पर आते हुए देखा या फिर नहीं देखा। बट ये जो एक छोटा सा गाँव है ना, अपने लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ लग रहा है। जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ पर अंदर लेकर चलता हूँ। अच्छी बात तो यह है कि इस टाइम पर हमारे ऊपर हेलीकॉप्टर जो थे उन लोगों ने भी हमें नहीं देखा। तो अपना अपना सर बचा लेना भाई, इसमें सर भिड़ जाएगा तो भी फिलहाल के लिए से यहीं पर खड़ा करना पड़ेगा। बाकी तो यार अभी ये वाला जो पीछे वाला गेट है ना, मुझे नहीं लगता है खुलने वाला है। बाकी इसके अंदर क्या है कुछ नजर भी नहीं आ रहा। अभी चल करना गाइस यार, पीछे ही थोड़ी देर के लिए छुप जाते हैं। तो चलो गाइस यार, आज की इस वाली वीडियो में इतने। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ ओनली 800,000 लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और जो भी चैनल बने चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ यार, जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड मेरे से बात करने के लिए आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।